साथियों समाधान के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विकास यादव। और आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। आपको बता दें कि आपके घर तक जो पानी पहुंचता है उस पर खास रिपोर्ट है, चूंकि हम लोग वहां उपस्थित हैं जहां से पूरे बेंगाबाद के ग्रामीण पानी पीते हैं और यहाँ से सप्लाई होता है। आपको बता दें कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बेंगाबाद में एक टंकी का निर्माण कराया गया था जहां से सप्लाई होना था पानी। और आज देखिए कि लगभग एक साल से ये बंद पड़ा हुआ है और उसकी बदहाल सूरत आप देखिए और विचार करिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से यहां पे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ये बनाया गया था ताकि लोगों को यहाँ पे सुविधाएं मिल सके, लोगों तक घर घर तक पानी पहुंच सके। वैसे मैं एक साल से लगभग जो फिल्टर जो करवाया जाना है वो बंद है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पानी आता है, यहाँ एक नदी है, उस नदी से यहाँ तक पानी पहुंचता है, उसके बाद यहाँ फिल्टर होता है। तो चलिए आज हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से फिल्टर होता है पानी और लोगों को सहूलियत होता है। जी तो आप जो ये अभी देख रहे हैं इसमें नदी का पानी यहाँ से आता है और उसके बाद यहाँ से फिर घूम के ये यहाँ पे आता है। चाचा जी सही बोल रहे हैं जी। उसके बाद यहाँ से फिर सीधे ये पानी इस टैंक में जाता है जहाँ पे पंखा लगा हुआ है फिल्टर का, और ये फिर यहाँ से घूमने के बाद ये फिर बड़े दूसरे टंकी में जाता है। जो आप टंकी देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इस टंकी में जाता है। और इस टंकी में जाने के बाद यहाँ पे बहुत देर तक पानी जो है सो ये पंखे के द्वारा चलाया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ से फिर पानी जो है सो इसमें जाता है, इसमें बड़ा कुआं जी, ये बड़ा कुआं जी, इसे बड़ा कुआं का नाम दिया गया है। इसमें जो पंखे लगे हुए हैं इससे फिर फिल्टर और यहाँ पे फिटकरी वगैरह डाला जाता है। और आप देख सकते हैं कि बंद हो जाने की वजह से किस तरीके की गंदगी का अंबार यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये देख रहे हैं जो लोहे जो हैं ये पूरी तरीके से जंग लग गए हैं, सारे पंखों में भी जंग लगा हुआ है। और जो मशीन है, मशीन भी देख सकते हैं कि यही एक साल से यही जर्जर स्थिति में यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर जब वो कुआं आपने देखा वहाँ से फिल्टर होने के बाद ये जो पानी है वो इसमें आता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बंद हो जाने की वजह से काफ़ी खराब हालत में देखा जा रहा है यहाँ पे। और वहाँ से जाने के बाद इस टैंक में फिल्टर होने के बाद फिर फाइनली इस टैंक में नीचे जाता है। अभी आपने देखा कि उस जहाँ पे टंकी से पानी फिल्टर होकर पूरी तरीके से आता है, उसके बाद इस टैंक के अंदर जो मेरे जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं इस टैंक में देखिए पानी आता है। और इस यहाँ पर पानी आने के बाद जो है सो देखिए ये सीधा ऊपर जो टंकी देख रहे हैं उस टंकी में पानी जाता है और उसके बाद पूरे ग्रामीणों तक जो है सो पूरी तरीके से सप्लाई होता है। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में आपको बता दूं कि अभी एक साल से लगभग जो पानी फिल्टर होता था वो बुरी तरीके से ठप हो चुका है, और जो पानी फिल्टर होकर ग्रामीणों को मिलना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी जो पानी ग्रामीणों तक पहुँचाया जा रहा है वो बोरिंग पानी है, जब मतलब डायरेक्ट मोटर से पानी इस टंकी में जाता है और इस टंकी में जाने के बाद वो टंकी में जाता है और उसके बाद सप्लाई किया जाता है, यानी इस पानी का फिल्टर बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में सिर्फ बोरिंग पानी लोगों को मिल रहा है। वैसे मैं अभी आपको दिखाएंगे ये पानी की शुद्धता किस तरीके से है। देख रहे हैं अभी मेरे हाथ में एक जग है, ये उसी बोरिंग का पानी है जिसको आप लोग पीते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं शुद्धता नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टंकी जो है वो इसकी साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, क्योंकि टंकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंदा रहता है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो टंकी है वो गंदा है, क्योंकि बोरिंग पानी कहीं ना कहीं साफ़ आ रहा है लेकिन गंदगी थोड़ा सा बना हुआ है। अभी हम लोगों के साथ यहाँ पे यहाँ के एक कर्मी हैं जो यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल जी। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अभी पेयजल और ये जो पानी मिल रहा है फिल्टर पानी वो लगभग कितने सालों से नहीं मिल रहा है? साल भर से नहीं मिल रहा है। साल भर से क्या लोगों को कौन पानी मिल रहा है? बोरिंग वाला पानी मिल रहा है। बोरिंग वाला पानी मिल रहा है। नदी वाला भी बंद है जी। नहीं नहीं साल भर से बंद है जी। मालिक को नदी वाला जो पानी आता था वो ज्यादा स्वच्छ रहता था या फिर बोरिंग वाला पानी अभी जो निकल रहा है वो स्वच्छ ज्यादा है? स्वच्छ तो ज्यादा वो था नदी वाला, ज्यादा स्वच्छ वही था, पीने का स्वाद लगता था वो नदी वाला जी। सब चुनाव न पड़ता था। हाँ, इसमें कुछ नहीं पड़ता, इसमें कुछ नहीं पड़ता, डायरेक्ट पीना पड़ता है, फिल्टर नहीं किया जाता, फिल्टर नहीं हो रहा है जी।
आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपको कितना वेतन मिलता है? 3,500 मिलता है। 3,500 में आप काम करते हैं? तो अभी मालिक बोला कि बढ़ा देंगे, नदी वाला बनेगा तो बढ़ा देंगे, तो अभी तक बढ़ाया नहीं है, साल भर हो गया, बोलता बोलता ठक के रखा। कितने साल से आप हैं यहाँ? 3 साल से। 3 साल से हैं। वेतन आप बढ़ाने का मांग करते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।